जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CS जोन में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां बढ़िया चल रही होंगी। तो आज का जो आपका सेशन होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री का, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है दिल्ली सल्तनत का, जो कि आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर आप सेशन को मिस ना करिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा सेशन देखिएगा। और ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कोर्स हो आपका, बीए हो, बीकॉम हो, अगर आपको जनरल पेपर होगा तो उसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखा है दिल्ली सल्तनत में जो रूलर्स थे, किसने सबसे पहले रूल किया, उसके बाद किसने रूल किया, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने कब रूल किया, 1712 AD में। उसके बाद मोहम्मद गजनवी जी ने 998 से 1038 तक रूल किया। उसके बाद मोहम्मद घोरी जी ने 1175 से 1206 तक रूल किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 AD तक। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कब से किया, 1211 से लेके 1236 AD तक। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेके 1240 AD तक। उसके बाद आए थे बलबन ने किया 1266 से लेके 1287। तो बलबन ने किया 1266 से लेके 1287 AD तक। तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपको आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में तो आप आंसर कर सकते हो। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगर पूछा जाता है तो आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम थे, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे ये, और अरब इन्वेडर थे। साथ ही में कहाँ पे इनका डेथ हुआ, इनको मारा गया दाहिर में। अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हो 249 में, जिसमें आपको पूरा बैच मिल रहा है विद योर डिटेल सब्जेक्ट, ई बुक मिल रही है रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड बेसिक कंप्यूटर की, साथ ही में आपको MR 200 PDF मिल रही है ऑफ टॉप नॉच क्वेश्चंस इन वन लाइनर। तो अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी, आपके एग्ज़ाम की तैयारी और बढ़िया से हो और आप सभी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ, तो यहाँ पे आप हमारा बैच ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वहाँ से। तो फटाफट ले लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, लिमिटेड ऑफर्स हैं, जल्दी से फटाफट बाय करके अपनी तैयारी और पक्की कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद मोहम्मद गजनवी जो थे वो फर्स्ट टर्क इन्वेजन थे, और फर्स्ट अटैक जो हुआ वो हुआ 1010 AD में। फादर कौन थे इनके, फादर थे सुबुकद्दीन। और उसके बाद लूटेड सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात इन 1026 ड्यूरिंग द रीज ऑफ भीम वंश। तो इन्होंने जो है अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में गुजरात में, जो है कब किया था, 1026 में किया था, जब वहाँ पर भीमा वन का शासनकाल था, तो तब उन्होंने वहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद अटैक्ड 17 टाइम्स, तो उन्होंने 17 बार अटैक किया था। अटैक्ड 17 टाइम्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो उन्होंने 17 बार अटैक किया था। तो ये जो थे फर्स्ट टर्क इन्वेजन थे। उसके बाद मोहम्मद घोरी का है फर्स्ट अटैक इन मुल्टन, 1175 AD में किया था इन्होंने। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इनसे हुआ था 1191 में, बिटवीन घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच में हुआ था, घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था पहला बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था,
1192 में, जो कि हुआ घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसी तरह से बैटल ऑफ चंद्रवार पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद के बीच में हुआ था 1194 AD में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्लेव्स ऑफ घोरी, स्लेव्स ऑफ घोरी कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यालदूज थे, कुप्चा थे और बख्तियार खिलजी थे। तो ये क्या थे? गुलाम थे घोरी के। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक नोन एज लाख बख्श, इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 में हुई, वाइल प्लेइंग पोलो, चौगान खेल रहे थे, गेम था ये, उसमें इनकी मौत हो गई। उसके बाद इन्होंने दो मॉस्क्यू बिल्ड किए हैं, कुवत उल इस्लाम एट दिल्ली, जो कि दिल्ली में है, कुवत उल इस्लाम। उसके बाद अलाउद्दीन का झोपड़ा, जो कि बनवाया था। तो अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में जो है वो भी इन्होंने बनवाया था। उसके बाद बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था कुतुब मीनार का। और कैपिटल क्या था? कैपिटल वॉज लाहौर। बिलोंग्स टू स्लेव डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी गुलाम वंश जब चल रहा था ये उससे बिलोंग करते थे। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश क्या है? इशू टाका एंड जितल टू कॉइन्स, इन्होंने दो कॉइन्स इशू किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि उन्होंने कौन कौन से दो कॉइन इशू किए थे। तो टाका, टांका एंड जितल। उसके बाद इशूड इक्ता सिस्टम, इन्होंने इक्ता सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया था, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लागू किया था इक्ता सिस्टम। तो पूछ सकता है कि इक्ता सिस्टम किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इंट्रोड्यूस चहागलगानी चालीसा ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ये भी इन्होंने लागू किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चहलगानी चालीसा, जिसमें ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स थे। शिफ्टेड कैपिटल दिल्ली फ्रॉम लाहौर, इन्होंने कैपिटल जो है शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से लाहौर से। सन इन लॉ कौन थे इनके? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द एंगर ऑफ चेंगिस खान, इन्होंने सेव किया दिल्ली को, दिल्ली सल्तनत को, फ्रॉम द एंगर ऑफ चेंगिस खान। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इल्तुतमिश ने जो है पूरा कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का। और शुरू किसने किया था? यहाँ पे मैंने बात करी थी ना अभी, कंस्ट्रक्शन किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। उसके बाद रजिया सुल्तान आई, इन्होंने रूल किया, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश थी ये, उनकी बेटी थी, जो पहली और सबसे पहली महिला थी, वुमेन रूलर थी, मुस्लिम वुमेन रूलर थी जिन्होंने रूल किया। स्पाउस कौन थे इनके? मलिक अलतुनिया, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल्ड इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, पहली मुस्लिम महिला अगर आपसे पूछेगा तो आपको इसका आंसर करना है। अगर नॉर्मली वुमेन पूछेगा तो उसमें जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसके हिसाब से आपको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है बलबन, बलबन के बारे में देख लेते हैं। एस्टैब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट नोन एज दीवान ए अरज, तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता था दीवान ए अरज। ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानी, उनका पावर उन्होंने तोड़ा था। टाइटल शेडो ऑफ अल्लाह, इनको टाइटल दिया गया है शेडो ऑफ अल्लाह का। फिर उसके बाद सिजदा एंड पायबोस आर हिज रूल्स, इनके जो शासनकाल में सिजदा और पायबोस का दो तरह का जो था रूल चलता था, मतलब कोई भी अगर पर्सन है इनके अगर दरबार में आएगा तो सिजदा और पायबोस उसको करना पड़ेगा। तो ये बलबन के बारे में था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान, बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में और आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस चहलगानी, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में करिएगा। और फॉर पीडीएफ सब्सक्रिप्शन हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए फटाफट व्हाट्सएप करिए और वहां से आप ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर आप नहीं किया है अभी, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें।
इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। और अगर आपको बैच या ई बुक लेनी है, जो कि आपको बहुत सस्ते ऑफर में मिल रही है, कंप्लीट पैकेज है आपका, पूरे आपकी एग्जाम की तैयारियों के लिए बहुत अच्छा पैकेज है, जिसमें आपको सारी डिटेल चीज़ मिल जाएगी A to Z। ई बुक में भी आपको रीजनिंग, कंप्यूटर के और मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक मिल जाएंगे। ई बुक आपको सिर्फ 60 रुपीज़ में मिल रही है, और बैच आपको मिल रहा है 249 में, जिसमें ईच सब्जेक्ट कवर है विद डिटेल, PYQs है, ई बुक है, साथ ही में MR200 की जो वन लाइनर हमने सीरीज सीरीज शुरू करी थी वो आपको दी गई है। तो तीनों चीज़ें हैं, आप ले सकते हो। यहाँ पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स तक फटाफट फैला दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपके एग्जाम की तरफ से हम रोज सेशन लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी पूरी तैयारी बढ़िया से हो पाए और आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।